उधर बलूचिस्तान के मसले को लेकर बलूच नेता भारत के दौरे पर हैं। आज बलूच नेता दिलशाद मजदक ने यूपी के बागपत का दौरा किया। दिलशाद ने यहां बिलोचपुरा और तिलपनी गांव में बलूच जाति के लोगों से मुलाकात की, साथ ही बलूचिस्तान के मसले को लेकर भारत से मदद मांगी। बलूच नेता ने बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत की तरफ से मिल रहे सहयोग के लिए भारतीय मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, तारीफ की। बलूच नेता ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना लोगों पर जुल्म ढाती है। बलूच नेता ने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है और अगर उसके दखल से पाकिस्तान बलूचिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला ले तो कई लोग बलूचिस्तान लौट आएंगे। आपको बता दें कि बलूच नेता का ये बागपत का दूसरा दौरा है। और जो हमारी आवाज़ें जो हम बहुत कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, पिछले 70 साल से कोई नहीं सुन रहा था, आज सुन रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा किरदार हिंदुस्तान का, इसीलिए हम आए थे और वही हिंदुस्तान ने हमको जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एवीजे हाइट्स सोसाइटी के करीब 1200 परिवार अपने आशियाने को लेकर टेंशन में है। खबर है कि एवीजे बिल्डर कंपनी का मालिक विनय जैन बायस को बीच मंझधार में फंसाकर विदेश भाग गया। बिल्डर पर प्राधिकरण का करीब 21 करोड़ का बकाया है। बिल्डर के खिलाफ सूरजपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। 1200 परिवारों का आरोप है कि बिल्डर ने बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बायर्स को एवीजे सोसाइटी में फ्लैट दिए। 1200 परिवारों ने 15 सितंबर को भी बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग की, लेकिन इंसाफ के नाम पर पुलिस की लाठी मिली। अब परिवारों को कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सवाल 1200 परिवारों को परेशान कर रहा है। वहाँ वो बॉक्सर बैठे रहते हैं, कोई शांत होकर बात करना चाहता तो मुझसे बात करे, तुम्हारी बिजली मैंने चालू करा दी। एक बिल्डर, हजारों सुनहरे सपने, आशियाने के नाम पर सबसे बड़ा धोखा, 1200 लोगों का मुजरिम बिल्डर फरार। ये कहानी उस धोखे की है जिसका ताप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1200 परिवार झेल रहे हैं। दिन रात एक कर पाई पाई जोड़कर 1200 परिवारों ने ग्रेटर नोएडा की आलिशान एवीजे सोसाइटी में आशियाना खरीदा, लेकिन 1200 परिवारों के सपनों पर बिल्डर के उस धोखे का ग्रहण लग गया जिसका तस्वीर तक लोगों ने नहीं किया था। एवीजे बिल्डर कंपनी के मालिक विनय जैन के विदेश भागने की खबर है। बिल्डर पर प्राधिकरण का करीब 21 करोड़ बकाया है। बायर्स परेशान है, आशियाना संकट में है। बिल्डर के खिलाफ सूरजपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। 1200 परिवार मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब आगे पिछले करीब 1.5 महीने से बहुत बुरा हाल किया हुआ है। NPCL का पूरा पेमेंट नहीं कर किया उसने, तकरीबन 90 लाख रुपया उसके पास ड्यू है। आज पिछले 6 महीने से, महीने भर से सोसाइटी जो है कभी बीच में कनेक्शन कट जाता है, 1000-10000 पे किया, रिकनेक्ट हो गया और DG पे सोसाइटी चलती रहती है। सर, जो ब्रोचर के अंदर उन्होंने पूरे एमिनिटीज लिखी थी उसमें से ज़्यादा 40% उन्होंने पूरा किया, 60% अभी भी पूरा नहीं किया गया है। सोसाइटी का हाल आप देख ही चुके हैं। तारीख 15 सितंबर 2016, सड़क पर इंसाफ की मांग। ग्रेटर नोएडा के एवीजे हाइट्स सोसाइटी में जिन जिन परिवारों ने घर खरीदा उन्हें बिल्डर के धोखे का इल्म पहले ही हो चुका था। परिवारों ने 15 सितंबर को बिल्डर के खिलाफ मार्च निकाला। परिवारों का दर्ज भेजा नहीं था। दरअसल परिवारों ने एवीजे बिल्डर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। 1200 बायर्स को एवीजे सोसाइटी में बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के फ्लैट दे दिए गए। बायर्स का आरोप है कि मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर बायर्स से मनमानी वसूली की। इतना ही नहीं, मनमाना पैसा नहीं देने पर 1200 बायर्स को घर खाली करने के लिए कहा और तो और घर के पानी और बिजली के कनेक्शन तक काट दिए गए। मजबूरन बिल्डर से नाराज बायर्स ने परिचौक पर 15 सितंबर को ही विरोध प्रदर्शन किया, आशियाने के लिए चक्का जाम किया, बिल्डर के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस की लाठियां तक खाई। एवीजे बिल्डर कंपनी का मालिक फरार है। उधर बिल्डर से मिले धोखे से 1200 परिवार सकते में हैं। संकट आशियाने पर मंडरा रहा है। अब ऐसे में धोखे का शिकार हुए परिवारों के सिर पर छत रहेगी या नहीं, यही सोचकर 1200 परिवार परेशान है। अमित चौधरी, इंडिया 24/7, नोएडा।